असल में अरुण सत्यजी साहब की तरह मैं भी सिगरेट पीता था, उस सिगरेट पीते हैं, मैं सिगरेट पीता था और पूरे 27 साल सिगरेट पिया। और बहुत पुरानी बात है, मैं फिर जज बन गया हाईकोर्ट का, तो मेरा इंटेक इतना जबरदस्त था सिगरेट का कि आप ये समझिए 60 सिगरेट रोजाना के हो जाते थे और एक बजे तक 20 सिगरेट में खत्म कर लिया करता था। और ये भी आपको मालूम है कि कोर्ट में अगर जज खुद सिगरेट पिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब होता है। तो मैंने वो तो ले लिया और कोर्ट में बैठने लगा, लेकिन इस कदर बेचैनी और बेकरारी थी उस वक्त मेरे लिए कि क्या करूं, मुकदमा सुनूं कि सिगरेट पी नहीं सकता तो क्या करूं। मुश्किल से आधा घंटा मिलता था टी टाइम, तो उसमें मैं जल्दी जल्दी 2-3 सिगरेट सुलगा के फिर और शुरू हो जाती थी। तो ये एक बड़ा ही टॉर्चरस पीरियड था कि समझ में नहीं आता था कि भाई जज ही छोड़ दें या क्या करें या फिर सिगरेट छोड़ें। तो बहुत सोच विचार के मैंने कहा भाई 20 दिन हो गए कि मुझे जज बने, मैंने कहा भाई अब सिगरेट छोड़ दे। मैं घर गया और जाके मैंने बीवी बच्चों से कहा, मैंने कहा बस ये आज का दिन है और उसके बाद सिगरेट नहीं। सब बड़ा मजाक उड़ाए बच्चों ने, हमारी बेटियों ने, बेगम ने भी, अरे ऐसे सब कहते हैं, ऐसे कहने वाले होते हैं फिर देख नहीं आते। हमने कहा ठीक है देखते हैं। और फिर हमने ठान ली, हमने कहा कि हम भी अपने अड़े रहेंगे जो भी हमने ऐड किया। तो जो वो दिन है और आज का दिन है, इसको भी 17-18 साल पुरानी बात है, सिगरेट को मैंने हाथ से लगाया। तो उससे मैं आपको एक बड़ा वाक्य बताना चाहता हूँ। मेरे दादा अल्लामा राशिदुल खैरी, उनके कजन, फर्स्ट कजन थे मौलाना अब्दुल गफ्फार खैरी, बड़े स्कॉलर आदमी थे। तो उनका इंतकाल हुआ 98 साल की उम्र में। तो उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले मैं उनके पास गया, उन्होंने कहता था चचा, मैं कहा चचा क्या बात है आप सिगरेट नहीं पी रहे। तो उनके सारे हाथ जो थे वो पीले रहते थे। तो मैं छोड़ दिया, तो क्या हुआ, बात क्या हुई? कहने भाई हुआ ये कि एक दिन बड़ी बारिश हो रही थी, सिगरेट खत्म हो गया था, मुझको बुखार आ रहा था, मुलाजिम चला गया था, मैंने कहा लाना थे सिगरेट। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने सिगरेट कब से शुरू किया? कहने का मैं जब 12 साल का था। और मैंने कहा छोड़ा कब? कहने का भी 2-4 साल पुरानी बात है, यानी 94 ईयर्स की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया। तो 82 साल उन्होंने सिगरेट पिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आदमी छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, कोई सी भी बुरी आदत है छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। तो सिगरेट बेशक बहुत ही बुरी चीज़ है, और जैसे कि हमारे अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि ज़माने में तो फैशन था, दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब अगर उसकी बात ही नहीं करते तो हीरोइन देखती नहीं थी जब तक कि सिगरेट ना पीते, और जब तक कि कश थी वो लगाते थे, धुआं नहीं छोड़ते थे तो कोई पलट के भी नहीं देखता था कौन साहब है। तो फैशन था एक ज़माने का, चाहे अंग्रेजी की फिल्मों का या उर्दू की फिल्मों का। अब ये हालत है कि अमरीका में और यूरोपियन कंट्रीज में सिगरेट पीने वाले की वो हालत है जो भंगी की होती है, बल्कि भंगी से बदतर। अभी मैं उसमें पढ़ रहा था टाइम मैगजीन के अंदर, तो वहाँ किसी को बिल्डिंग के अंदर सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। तो जिन लोगों को सिगरेट पीना होता है वो बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, सड़क पर वहाँ पीते हैं सिगरेट। तो चुनाचे जो ख़वातीन थी वो बिल्डिंग के बाहर खड़े हुई सिगरेट पी रही थी।
कुछ गलत सहमी हो गई लोगों को, वो उनके पास जाकर भावताव करने लगे। वो समझे कि शायद ये बाजारी औरतें हैं, तो उसके ऊपर खांसी ले दे उन्हें, यानी इस किस्म का भी सीन हुआ। ये तो साहब इसके मुतालिक था। सिगरेट के गुटका सुपारी का जिक्र किया डॉक्टर समीना शाह ने, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके की। और गुटका सुपारी में मैं आपको बताऊं कि कोई 2.5-3 साल पुरानी बात है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिकमेंड किया था कि इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, और इस सिलसिले के अंदर एक कानून भी बनाया था, और पता नहीं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में है कहाँ है, बहरहाल वो पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने भी इस पर कहा था कि इस पर पाबंदी लगाए। वजह ये थी कि मैंने बहचत मोतसिब के पूरे कराची से 20-25 बल्कि 27 सैंपल जमा करवाए मुख्तलिफ जगहों से, और फिर वो मैंने डॉक्टर जफर गनी साहब जो मेरे दोस्त भी थे उनको मैंने भिजवाए। मैंने कहा यार कराची यूनिवर्सिटी से लेबोरेटरी टेस्ट के बाद आप मुझे बताएं कि इनमें क्या क्या मुजर चीज़ें हैं। तो जफर गनी साहब ने इसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो रिपोर्ट मुझे भिजवाई कराची यूनिवर्सिटी से, उसके मुताबिक उसमें 8-10 ऐसी चीज़ें थी गुटका सुपारी के, ये जो मैं इस तरीके की चीज़ जिसमें हीरोइन की आमेजिश थी और कराची शहर के अंदर बिक रही थी। तो मैंने बहसत मोतसिब के ये रिपोर्ट दी और इसका गवर्नर ने जमाने में बहुत सीरियस नोट लिया। अब ये आपका काम है कि वो चीज़ रिकॉर्ड की है, इसको आप आगे बढ़ाएं। जी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बाद नहीं, जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री उसके पास, हेल्थ के पास भी है, लॉ के पास भी है, इसको आप चाहें कि इसके पूरी पाबंदी होनी चाहिए। देखिए मैं इस बात को नहीं मानता कि आज 40 लाख हैं कल 4 करोड़ होंगे, नहीं। देखिए कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ आज हीरोइन पिक्का आपको पीने वाला नहीं मिलेगा, वहाँ जो हीरोइन के सौदागर हैं उनको गोली मार दी जाती है। तो ये हीरोइन के आदि लोग कैसे बनते हैं, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, मिल रही है। सऊदी अरेबिया में, ईरान में, कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां मौत की सजा है हीरोइन के बेचने वालों को। यहां मुल्क के अंदर क्यों नहीं ऐसा कानून बना सकते? ये 40 लाख आदमी जो इस वक्त आदि हैं, अब बताइए क्या 40 लाख खानदान नहीं है क्या इससे मुतासर? क्या कर रही है हुकूमत? तो लाजमी चीज है अपने सख्त तरीन कवानीन नाफिज किए जाए। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि कभी भी मंशियात के आदि को आप नफरत से ना देखें, तहकीर से मत देखें। वो हालात से मजबूर है, किस तरह आदत पड़ी उसको हमें नहीं मालूम। किसी की भी आदत पड़ सकती है, हमारे बच्चे की भी पड़ सकती है आदत, लेकिन कभी उनसे आप तहकीर से बात मत कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, इंसानियत से बात कीजिए, और उनके साथ हमदर्दी की ज़रूरत है कि उनका इलाज कराया जाए, उनको समझाया जाए, ये लाजमी चीज़ है। उनसे मोहब्बत के साथ हमें पेश आना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है कि आज हम उनको अगर कहीं एडमिट करना चाहें तो वहाँ उनका सही तरीके से इलाज हो सके। ज़्यादातर तो आपको मालूम है उनमें गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। अब वो हमारे यहाँ का ऐसी अस्पताल हैं जहाँ उनका इलाज हो सके? ऐसा हमारे पास स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं? आप बताइए, आगा खान हॉस्पिटल में आप हैं, इतने लोगों के लिए अगर आज इलाज करना चाहे, पहले उनका इलाज होगा जब ही वो इस आदत से उनको छुटकारा होगा। तो ये बताइए कि उनके इलाज के लिए यहाँ कितने अस्पताल या इदारे काम कर रहे हैं? तो उसकी बहुत ज़रूरत है। एक और बात जो मैं आखिर में कहूँगा वो ये कि जितने भी इश्तहार आते हैं अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। और इसके लिए भी आप लोगों को एक तहरीक चलानी चाहिए। मैं देखता हूँ कि साहब इधर खबरें आई, उधर पता चला छालिया का जनाब इश्तहार आ गया। अब बताइए ये कैंसर पर, और अफसोस की बात यह है खूबसूरत पैकिंग के साथ
शादी ब्याह पे डिनर्स में ये सर्व किया जाता है, बच्चों की सालगिरह में ट्रॉफियों के साथ ये सफारी सर्व की जाती है। वो कोई जाहिर लोग नहीं करते, अफसोस की बात है, पढ़े लिख के लोग सर्व करते हैं, अपने बच्चे की सालगिरह मनाएंगे उस पर जरा भी सर्व करें। तो हम तो खुद इनकी तरगीब दे रहे हैं कि बच्चों को अपने के ये खाओ पियो। तो ये अल्फाज के साथ मैं आप सबको मुंतजमीन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिम्मत मत हारिए, इंशाल्लाह बेहतरीन सूरत हो। शुक्रिया।